हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मील जोन। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, रेस्टोरेंट को तो मिस कर ही रहे होंगे आप, तो चलिए फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। वन टेबलस्पून जीरा डाल दें। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, उसे हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। दो से तीन बड़े कटे हुए टमाटर डाल दें, इसे भी हल्का सा फ्राई कर लें। इसी में मैं पाँच से छः लहसुन की कलियाँ डालूंगी। तीन से चार लौंग डाल दीजिए और तीन से चार ही हरी इलायची भी डाल दें। मैंने इसमें दालचीनी पाउडर डाला है, आपके पास अगर दालचीनी का टुकड़ा भी है तो वो भी डाल सकते हैं। और एक इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लें। ज़्यादा नहीं इसको गलाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको हमने मिक्सी में पीसना ही है। ये देखिए, इतना ही पकाना है हमने। अब हम इसको मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी। मैंने प्याज को बड़े टुकड़ों में काट लिया है, उसे हम फ्राई कर लेंगे तेल में। हल्का हल्का सा फ्राई करके निकाल लें प्लेट में। और इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करें। बस इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी ऑयल में मैं शिमला मिर्च डालूंगी और उसे भी हल्का हल्का फ्राई कर लूंगी। शिमला मिर्च को धीमी आंच पर ही करिएगा, क्योंकि अगर ये नीचे से जल जाएगी तो इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। शिमला मिर्च को मैं प्लेट में अलग से निकाल लूंगी। मेरे पास तेल अभी भी बचा हुआ है, इसमें मैं मशरूम को भी फ्राई कर लूंगी, हल्का हल्का फ्राई करूंगी, जिसे मैंने अच्छे से गर्म पानी में धो लिया है पहले और सुखा भी लिया है। हमने जो मसाला जो मिक्सी में ट्रांसफर किया है उसे बीट कर लेना है। और एक कढ़ाई में एक थोड़ा सा ऑयल दोबारा लेंगे। अब ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसमें एक टेबल स्पून जीरा डाल देंगे और जो पिसा हुआ मसाला है वो भी इसी में डाल देंगे हम। और मसाले को अच्छे से पका लेंगे। मसाला जब पक जाए इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही नमक डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून भुना हुआ जीरा। हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर।
और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। इसी में हाफ टेबल स्पून मैं लाल मिर्च डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला पकने के बाद इसमें हम जो फ्राई किए हुए हमारे अनियन थे वो भी डाल दूंगी मैं। इसी में हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी, और इसी में ही हम मशरूम भी डाल देंगे जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डालूंगी, लगभग 1-2 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए मेरे मशरूम पक चुके हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून गर्म मसाला डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। अब हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम सर्व करने के लिए रेडी हैं। सर्व करने से पहले आप इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम के या फ्रेश मलाई के ज़रूर डाल दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।